सिद्धार्थ एक बहुत ही हसमुख, बहुत ही अच्छे इंसान है। हंसते खेलते कूदते हमने उनको देखा है इतने साल तक। आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उनको सेटल डाउन होना पड़ता है, एंड आई थिंक सिद्धार्थ इट वॉज़ हाई टाइम दैट यू गॉट मैरिड। और मैं यही कहूँगी कि इतने वंडरफुल ह्यूमन बींग के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अच्छे ऐसे पल, उनकी एक हसमुख अच्छी बहुत अच्छी शादी गुजरने के लिए बहुत सारी दुआएं। आई थिंक समथिंग स्वीट, समथिंग वेरी मेमोरेबल दैट ही कैन यूज़ विद हिज वाइफ। वेडिंग्स पे हमेशा ऐसी गिफ्ट दी जाती है जो याद रखे कि अच्छा ये इन्होंने दी है, एंड इसमें बहुत सारा प्यार, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे दोस्त है जो मेरे करियर के बहुत सालों पहले, मतलब जब मैंने करियर शुरू किया था, वो मिले थे। वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए उनके साथ, तो बहुत ही प्यार भरा ये गिफ्ट उनके लिए है। हाई अब सिद्धार्थ ही सिलेक्ट करे नेहा के लिए कौन सा बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन रहेगा, लेकिन अगर पर्सनली मेरी चॉइस बोले तो इफ़ दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग दे शुड गो टू दुबई, एंड इफ़ दे आर जस्ट फॉन्ड ऑफ रिलैक्सिंग दे शुड गो टू सम प्लेस इन इंडिया, बिकॉज हमारा देश भी बहुत खूबसूरत है। या तो नॉर्थ या तो साउथ, दे कैन गो टू केरला, बट सिद्धार्थ ऑब्वियसली वो तो जानते हैं कहाँ जाना है उनको साउथ में, तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी चॉइस है, वो जहाँ चाहे, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी टुगेदर। खान एक्ट्रेस में बात करें तो बहुत सारी एक्ट्रेस भी है, बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, बट ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक आपकी पसंद है? आई थिंक प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी है। प्रियंका चोपड़ा एंड सलमान खान? नहीं, आई डोंट नो। वैसे तो कहा जाता है कि शादी का लड्डू एक ऐसी चीज है जिसे जो खाए वो भी पछताता है, ना खाए वो भी पछताता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता उसको भी क्रेज रहता है कि हम शादी करें और देखें कि क्या होता है शादी के बाद। आपने लड्डू ऑलरेडी चख लिया है, तो आपने कहा पछताते हैं लड्डू चखने के बाद, कुछ समझे नहीं। आई थिंक डोंट यू नो, हमेशा जो दूर होता है, जो चीज़ दूर होती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो जिनकी शादी नहीं हुई होती उनको लगता है कि शादी करके बेटर है, और जिनकी शादी हो गई होती है उनको लगता है कि शादी से पहले शायद बेटर था। बट आई थिंक इंसान हमेशा खुशी के पीछे भागता है, तो अगर आप खुश रहें किसी भी सिचुएशन में तो आप हमेशा खुश रहेंगे और पछताएंगे नहीं। मैंने इस पिक्चर से बाई गॉड्स ग्रेस यूथ की नर्व्स पकड़ ली थी यारिया से, तो काफी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और नर्वसनेस नहीं है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, बट पता नहीं क्यों इंडियन ट्रेडिशन में ही सिंदूर गायब होता जा रहा है और बहुत कम लोग लगाते हैं। और मैं एज अ वुमेन इनकरेज करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन, स्पेशली जो इंडस्ट्री में भी हैं और जो मैरिड है, वो सिंदूर लगाएं और सिंदूर को इनकरेजमेंट दें। नहीं, वेट लॉस मैंने अपने बच्चे के पीछे भागते भागते और पिक्चर बनाते बनाते किया, और मैं बल्कि चाहती हूँ कि थोड़ा वेट गेन हो जाए। ठीक है, हाँ जी, नहीं भूषण जी की मीटिंग थी। हाँ हाँ, नहीं उनकी सलमान के साथ मीटिंग थी जो वो अवॉइड नहीं कर पा। आई डोंट नो किसके लिए, नहीं मुझे सच्ची में नहीं मालूम किस रीजन से थी। ठीक है, थैंक यू।